हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कोर के पीए सीरीज़ के कीबोर्ड में आप अपना सॉन्ग कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है बिगनर्स के लिए, और इसीलिए मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको कोर के पीए सीरीज़ के कीबोर्ड में अपना खुद का सॉन्ग रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए पहले आपको मोड चेंज करना होगा और जाना होगा सीक्वेंसर मोड में। अब नया सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए मैं प्रेस करूंगा रिकॉर्ड बटन। यहां पर हम सॉन्ग को तीन टाइप से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ मल्टी ट्रैक सीक्वेंसर, सेकंड इज अ बैकिंग सीक्वेंस और क्विक रिकॉर्ड, थर्ड इज अ स्टेप बैकिंग सीक्वेंस। तो यहां पर जो सबसे सिंपलेस्ट मोड है, दैट इज बैकिंग सीक्वेंस, इसको चूज करेंगे और ओके को प्रेस करेंगे। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट आपका ये न्यू सॉन्ग है। अब यहां से अगर आपको स्टाइल चेंज करनी है तो हम प्रेस करेंगे स्टाइल बटन। मैं चूज करता हूं गुलाबी आंखें, एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। अगर आपको साउंड चेंज करना है तो यहां से कर सकते हैं या फिर परफॉर्मेंस मोड से कर सकते हैं। स्टाइल चेंज करने के लिए आप यहां से भी कर सकते हैं, और ऐसे साउंड भी आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। यहां से आप टेम्पो चेंज कर सकते हैं। मैं टेम्पो चूज करता हूं 108। अब हम अपने सॉन्ग को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए मैं प्रेस करूंगा स्टार्ट बटन। अब इस तरह ये हमारा सॉन्ग रिकॉर्ड हो गया है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि कैसा रिकॉर्ड हुआ है। चेक करने के लिए मैं फिर से प्रेस करूंगा स्टार्ट बटन सॉन्ग को प्ले करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारा सॉन्ग अच्छे से रिकॉर्ड हो गया है। अब इस सॉन्ग को हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए मैं प्रेस करूंगा मेन्यू बटन, सेव सॉन्ग चूज करूंगा, यहां से लोकेशन चूज करूंगा और चूज करूंगा पेन ड्राइव। अब मैं सेव पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं इसका नाम दे सकता हूं। नाम लेट से मैं देता हूं माई सॉन्ग। ओके कर देंगे। देखिए पेन ड्राइव में सेव हो रहा है ये। ओके प्रेस करेंगे, यस करेंगे। अब इस तरह हमारा ये सॉन्ग सेव हो गया है, ठीक है। देखिए इसका नाम भी लिख के आ रहा है माय सॉन्ग। अब यहाँ से हम इसको एग्जिट करके वापस आएंगे स्टाइल मोड में, यस कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम अपने सॉन्ग को सेव कर चुके हैं। अब यहाँ से हम सॉन्ग प्ले मोड में जाएंगे अपने सॉन्ग को चेक करने के लिए। यहां देखिए नो सॉन्ग लिखा हुआ है, प्रेस करेंगे और यहां से चूज करेंगे माय सॉन्ग। लोकेशन चूज करेंगे यूएसबी ड्राइव। ये देखिए मेरा माय सॉन्ग है यहां पे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम प्ले करके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपने देखा कि हम कैसे अपना सॉन्ग खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। ये एक सिंपलेस्ट तरीका था सॉन्ग रिकॉर्ड करने का। इसके अलावा और भी प्रोफेशनल तरीके हैं, जैसे मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग, जिसमें आपका एडिटिंग वगैरह आसान रहती है। उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.